हरे कृष्णा दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य पर काम कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आज टॉपिक है जो है आप लोग इसको जानकर बहुत खुश होंगे। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जो कि इस बार सितंबर महीने में आपकी है और सितंबर महीने में इसकी फॉर्म फिलअप शुरू हो रही है। ठीक है, टॉप 5 बेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि SSC GD 2025 इसकी भी नोटिफिकेशन आपको आउट हो चुकी है, नोटिफिकेशन मिल चुकी है। SSC GD के लिए आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। SSC GD के लिए आपको क्लास 10th पास होना चाहिए, आपका एज लिमिट 18 से शुरू होता है। ठीक है, तो SSC GD के एक फॉर्म फिलअप कर सकते हो, उसके भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उसके बाद हम दूसरे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सितंबर में आ रही है। दूसरा है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसका जो फॉर्म है, अप्लीकेशन जो है 9 सितंबर से 30 सितंबर तक शुरू हो जाएगी। 9 से 3 सितंबर 2024 तक इसके फॉर्म फिलअप रहेगा, इसका डेट। इसमें आप लोग, ये जो BIS है, इसमें आपका पोस्ट है ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट पे है वैकेंसी। आप लोग उसको भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आप लोग जाकर गूगल में सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा वहाँ से BIS के बारे में। तीसरा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो फॉर्म फिलअप है, फॉर्म फिलअप जो है 28 अगस्त से 17 सितंबर तक चल रही है। 28 अगस्त से शुरू हो चुकी है फॉर्म फिलअप आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, तो आपको यहाँ से फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। इसकी जो एज लिमिट है 20 से 28 साल तक है। इसमें आप लोग आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। चौथा है आपका CSF फायरमैन का। CSF फायरमैन में आपका एप्लीकेशन जो है फॉर्म 31 अगस्त से 30 सितंबर तक फॉर्म फिलअप का डेट है। 31 अगस्त आपका कल, 2 दिन पहले फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। CSF फायरमैन भी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। CSF फायरमैन में एज जो है आपका 18 से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उसमें लिए। लेकिन CSF फायरमैन में एक और एक चीज़, उसके लिए केवल मेल कैंडिडेट्स ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो फीमेल के लिए नहीं है। बाकी पर जितने भी पोस्ट है उसमें मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। वो भी और एक चीज़, CSF फायरमैन में आप लोग के पास अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपका साइंस से होना चाहिए। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायो भी होना चाहिए, होने से चलेगा। लेकिन आप साइंस स्टूडेंट होने से ही आप CSF फायरमैन का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। CSF फायरमैन की सैलरी के बारे में बता दूँ, CSF फायरमैन की जो सैलरी है वो ग्रुप 3 पे लेवल 3 पे है। 21,700 इसकी बेसिक पे होती है। बहुत अच्छी पोस्ट है आपकी इसमें। और पांचवा है जो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी है, पांचवा जो बता रहा हूँ आपको है RRB NTPC रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो NTPC का एग्ज़ाम है उसका, वो भी बहुत जल्द इसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है। इसका भी नोटिफिकेशन आया नहीं है, पहले बात था कि इसका जुलाई या फिर अगस्त से सितंबर तक, ये 3 महीनों के अंदर में ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा RRB NTPC का। आप लोग इसके लिए आपका एज लिमिट जो है आपका ये भी 18 के बाद आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसमें आपका जो भी आपका 12th, अगर आप 12th पास हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कहीं से भी हो, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन क्वालिफाई हो, ग्रेजुएशन पास हो, तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और इसमें आप लोग आराम से इजीली, इसका कंपटीशन जो है थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन प्रिपरेशन अच्छा करोगे तो आराम से इजीली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। इसके जो ग्रेड पे है, पे लेवल 4 पे है, ग्रेजुएशन वाली पे लेवल 4 है। और आपका जो अगर 12th पास अप्लाई करें तो पे लेवल 3 है। 21,700 इसका बेसिक वो होगा तब। इस प्रकार से ये 5 में इस बार सितंबर में इसका फॉर्म फिलअप शुरू हो रहा है। फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है। इन 5 गवर्नमेंट जॉब पे आप लोग आराम से फॉर्म फिलअप कीजिए। जिसके लिए एलिजिबल हो उसको फॉर्म फिलअप कीजिए, अपना एग्ज़ाम दीजिए। अगर आप एग्ज़ाम दोगे, अगर आप सक्सेस हो जाओगे, एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, तो बहुत अच्छी रहेगी, अपनी लाइफ में स्टेबल रहोगे। ये 5 जो है बेस्ट गवर्नमेंट जॉब है इस बार की, सितंबर महीने में जो शुरू हो रही है। कितने तो अगस्त में ही फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है, लेकिन सितंबर महीने में मैक्सिमम इनका फॉर्म फिलअप है। तो ये रहा आज का इस वीडियो, और आज की इस वीडियो में जहाँ तक मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।